नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इट्स अ बिग डे फॉर इंडिया। आज इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक हिस्टोरिक लॉन्च किया है और ये लॉन्च था इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। इंडिया के इसरो के इस लॉन्च व्हीकल की ये पहली फ्लाइट थी और इसरो का लॉन्च व्हीकल यानी SSLV अपनी पहली फ्लाइट में दो सैटेलाइट भी लेकर गया था। एक सैटेलाइट का नाम था आजादी सेट और इसे तैयार किया था इंडिया की 750 गर्ल्स स्टूडेंट ने फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ रूरल इंडिया। ये एक छोटा सैटेलाइट था, इसका वेट था सिर्फ 8 kg और इसको इंटीग्रेट किया था स्पेस किड्स इंडिया की टीम ने। दूसरा एक और सैटेलाइट जो SSLV लेकर गया था वो था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2। ये एक माइक्रो सैटेलाइट था और इसका यूज होना था एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब देखिये इसरो के इस हिस्टोरिक मिशन को लेकर थोड़ी सी गुड न्यूज है और थोड़ी सी बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि इसरो ने ये जो SSLV टेस्ट किया था इसका टेस्ट तो सक्सेसफुल रहा। इसरो के अकॉर्डिंग इस रॉकेट की जो सभी स्टेज थी उन्होंने एज पर एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया, लेकिन इस लॉन्च का जो टर्मिनल फेज था जिसमें सैटेलाइट रॉकेट से अलग होते हैं और उनको प्लेस किया जाता है ऑर्बिट में, उसमें जाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि इस स्टेज में इन सैटेलाइट्स का लिंक इसरो के कमांड सेंटर से टूट गया और फिलहाल इसरो को इन्हें लेकर कोई डेटा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसरो ने इसको लेकर कहा है कि हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा कंट्री को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है और वो आपको पता होनी चाहिए कि इसरो का ये जो मिशन था इसका मेन एम था इस रॉकेट को टेस्ट करना, ना कि इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। हालांकि ये सैटेलाइट लॉन्च करना भी इस मिशन का हिस्सा थे, बट इस मिशन का अल्टीमेट एम था इसरो के इस 120 टन के SSLV को टेस्ट करना। ये इसरो का एक ऑल सॉलिड स्टेज रॉकेट है जिसकी हाइट है अराउंड 34 मीटर और इसका डायमीटर है अराउंड 2 मीटर। और इस रॉकेट की खास बात यह है कि इसे यूज किया जाएगा मिनी माइक्रो और नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जिनका वेट होता है 10 kg से लेकर 500 kg तक। इसरो का ये SSLV एक 3-stage सॉलिड प्रोपल्शन व्हीकल है। और देखिए इस मिशन को लेकर गुड न्यूज ये है कि अल्टीमेटली ये जो रॉकेट टेस्ट किया गया था ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। हालांकि सैटेलाइट को प्लेस करने को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट वी होप इसरो इसको सॉल्व कर लेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में कि इसरो का ये जो SSLV है यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये क्यों इसरो के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे ये आने वाले वक्त में स्पेस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए इसरो अभी तक अपने जिन रॉकेट्स को यूज करता है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए वो है या तो PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या है GSLV। लेकिन ये जो दोनों रॉकेट हैं ये काफी बड़े हैं, हैवी हैं और इनको जनरली यूज किया जाता है बड़े बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। इनकी असेंबलिंग में भी काफी टाइम लगता है, इसका मतलब इनको यूज करने के लिए काफी पहले तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है और इनके थ्रू सैटेलाइट को लॉन्च करना काफी महंगा भी होता है। लेकिन इसरो ने ये जो नया रॉकेट टेस्ट किया है इसको सिर्फ 72 आवर में असेंबल किया जा सकता है, वो भी सिर्फ 5 से 6 लोगों के द्वारा, और इसके थ्रू जो सैटेलाइट लॉन्च करने की कॉस्ट होगी वो भी PSLV के कंपैरिजन में 1/10 होगी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसके जरिए इंडिया हर वीक सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। देखिए इस रॉकेट को इसरो ने डेवलप किया है स्पेशली फॉर द स्मॉल एंड माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च के लिए। आज पूरी दुनिया में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उनमें से जो 90% सैटेलाइट होते हैं वो या तो स्मॉल सैटेलाइट होते हैं या माइक्रो सैटेलाइट, और इसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए इसरो ने नया रॉकेट लॉन्च किया है। देखिए अभी तक क्या होता था कि अगर किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को, किसी यूनिवर्सिटी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपना कोई स्मॉल या माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करना होता था तो उसको काफी वेट करना पड़ता था इस बात के लिए कि कब इसरो अपना PSLV रॉकेट यूज करेगा किसी बड़े सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, और तब वो कंपनी या बिजनेस या यूनिवर्सिटी इसरो से रिक्वेस्ट करती थी कि इन बड़े सैटेलाइट्स के साथ हमारा छोटा सैटेलाइट भी लॉन्च कर दीजिए। इसीलिए इंडिया में जितने भी छोटे सैटेलाइट लॉन्च होने वाले होते थे उनकी टाइमलाइन डिपेंड करती थी बड़े सैटेलाइट्स पर, क्योंकि इसरो भी बड़े सैटेलाइट के लॉन्च को ही प्रेफरेंस देता था। क्योंकि इसरो का जो PSLV रॉकेट है वो 3000 किलो तक के सैटेलाइट स्पेस में ले जा सकता है। देखिए आप लोगों को मालूम है कि अब तक तो इसरो या इंडिया की गवर्नमेंट ये ही अपने सैटेलाइट भेजती थी स्पेस में जो मेनली पब्लिक पर्पज के लिए यूज होते थे, लेकिन अब बहुत सारे बिजनेस हाउसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, इवन यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज भी अपने अपने स्मॉल सैटेलाइट भेजना चाहती हैं स्पेस में, और ये सब सैटेलाइट आते हैं स्मॉल सैटेलाइट की कैटेगरी में। और देखिए सच्चाई ये है कि प्रेजेंट टाइम में जो स्मॉल सैटेलाइट हैं उनकी जो लॉन्चिंग है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है एज कम्पेयर टू बिग सैटेलाइट्स। पिछले 8-10 सालों से लगभग यही ट्रेंड देखा जा रहा है। थैंक्स टू द एवर ग्रोइंग नीड फॉर स्पेस बेस्ड डेटा कम्युनिकेशन सर्विलेंस एंड कॉमर्स, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि आने वाले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे स्पेस में।
और देखिए, जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, ना तो वो महीनों तक वेट कर सकते हैं और ना ही वो इसरो को पीएसएलवी के लिए जो हाई कॉस्ट आती है वो पे कर सकते हैं। और इसलिए पिछले कई सालों से इसरो लगातार इस बात की जरूरत फील कर रहा था कि एक ऐसा स्मॉल रॉकेट डेवलप किया जाए जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च कर सके वेरी फ्रिक्वेंटली। इसकी कॉस्ट भी कम आनी चाहिए इसरो को भी और उन कंपनीज को भी। इसे असेंबल करना भी आसान होना चाहिए और उसमें टाइम भी कम लगना चाहिए। और इन्हीं सब जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया है। और देखिए, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसरो के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिमांड कम फ्रॉम द कंपनीज दैट आर लॉन्चिंग सैटेलाइट फॉर कमर्शियल पर्पस। देखिए, अब इंडिया में इसरो के साथ साथ कुछ और प्लेयर्स भी हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, जो जल्द ही सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट ने फिलहाल इंडिया में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है और फिलहाल 3 ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं इंडिया में जो इस बात की तैयारी कर रही हैं कि वो आने वाले टाइम में स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। और इसी रेस को ज्वाइन करने के लिए इसरो ने डेवलप किया है एसएसएलवी। देखिए, अगर फिलहाल इसरो के सैटेलाइट लॉन्च की बात की जाए तो इसरो सैटेलाइट लॉन्च के लिए जो रॉकेट यूज करता है वो है पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जीएसएलवी यानी जियो स्पेशल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन इन दोनों ही रॉकेट को तैयार करने के लिए यानी असेंबल करने के लिए इसरो को चाहिए होते हैं तकरीबन 70 से 80 दिन और इसीलिए इसरो एक साल में ज्यादा से ज्यादा 5-6 लॉन्च ही कर पाता है। और इन 70-80 दिनों में भी इन रॉकेट्स को असेंबल करने के लिए कई दर्जन लोगों की जरूरत पड़ती है और इन रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट लॉन्च करने की जो कॉस्ट आती है वो भी होती है टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। हालांकि ये रॉकेट इसरो के और गवर्नमेंट के सैटेलाइट के साथ साथ कुछ कमर्शियल सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं, लेकिन इन रॉकेट के थ्रू लॉन्च करने की जो कॉस्ट आती है वो कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च से कहीं ज्यादा होती है। और अब देखिए, भविष्य में एसएसएलवी जो होगा वो इन सब चीजों को बदल कर रख देगा, बिकॉज दिस रॉकेट इज सपोज टू हैव ए क्विक टर्न अराउंड टाइम। इसे असेंबल करने में 3 दिन से भी कम लगेंगे, इसे काफी शॉर्ट नोटिस पर असेंबल किया जा सकेगा और इसके थ्रू सैटेलाइट लॉन्च करने की जो कॉस्ट होगी वो भी पीएसएलवी और जीएसएलवी के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। आने वाले टाइम में एसएसएलवी 10 kg से लेकर 500 kg तक के सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएगा इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेस इन स्पेस फॉर पोजिशनिंग ऑफ सैटेलाइट्स। और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस रॉकेट के आने से इसरो का जो सैटेलाइट लॉन्च रेट है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, फिलहाल इसरो पूरे साल में 5 से 6 लॉन्च करता है, लेकिन एसएसएलवी आने के बाद इसरो एक साल में 50 से 60 लॉन्च कर पाएगा। इसका मतलब है 1 लॉन्च पर वीक। और इससे ना सिर्फ इसरो को काफी प्रॉफिट होगा बल्कि इंडिया में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, इवन लेबोरेटरीज हैं, वो सब भी जल्द से जल्द और टाइमली अपने स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।